हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टी एस एग्री अकेडमी में। दोस्तों, हम लाए हैं आप सभी के लिए बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ इंटोमोलॉजी का, जो आपका अभी अभी एग्जाम पेपर हुआ है, उसका फुल सोल्यूशन, सबसे सटीक सोल्यूशन दोस्तों आपके अपने चैनल पर टी एस एग्री अकेडमी में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे पास दोस्तों बुकलेट सीरीज नंबर ए है, इस हिसाब से आप लोग अपना मैनेज कर लेना। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, इसमें हम केवल क्वेश्चन आंसर दो चीज़ें ही देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि पश्च की शब्द की खोज की किसने की दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल ने। ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट रहेगा कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है दोस्तों, वो हैं रामदेव मिश्रा। ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि प्राणी जो अपने शरीर का तापमान स्थिर नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं क्या, पोइकिलोथर्मिक। ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर होगा, फोर में दिया गया किस तापक्रम पर क्रम जोन में कीट निष्क्रिय रहते हैं दोस्तों, रहते हैं -5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर फोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया है कि एक पोषण स्तर से अन्न में कितने ऊर्जा स्थानांतरित होती है दोस्तों, 10%। ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पादप बाष्प लैंप का प्रयोग कीटों में होता है दोस्तों, कीटों में होता है दोस्तों, होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स का। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आकर्षित करने के लिए। ठीक है, आकर्षित करने के लिए क्वेश्चन नंबर हमारा बी राइट, ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन बी राइट, आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कुछ कीट जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जैवदीप्त। ऑप्शन ए राइट होगा जैवदीप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कीट पीड़क जब एक वनस्पति कुल के पौधों को खाते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, सीमित बच्ची। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर एट का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से सोपोजी कीट का उदाहरण है दोस्तों, कौन सा है, ये सारे के सारे तीनों दोस्तों, तो इसीलिए हमारा सभी सोपोजी सो जाति बच्चे की बच्चण करते हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर नाइन में। क्वेश्चन नंबर टेन हमें दिया गया, एक कीट की लार्वी किसी दूसरे के भोजन तथा शरीर में विकसित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हम लोग परजीव व्यास। ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अलेवन है कि घनत्व आश्रित कारक हो सकते को कहते हैं, घनत्व आश्रित कारक को क्या कहते हैं दोस्तों, जैविक कारक। ऑप्शन सी राइट होगा जैविक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कीट पीड़क जो पृथक स्थानों पर पाया जाता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है जैविक कारक। आप कीट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का जो करेक्ट आंसर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में दिया गया तेरह में दिया गया काउंसिल इन्वायरमेंटल क्वालिटी के आईपीएम को किस बार स्वीकार किया गया दोस्तों, कब किया, 1972 में। ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर तेरह का। तेरह के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा चौदह दिया गया, पीड़कों की न्यूनतम जनसंख्या जो आर्थिक क्षति पहुंचाती है कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, ईआईएल। ऑप्शन ए राइट होगा ईआईएल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह में दिया गया, सुरक्षात्मक जनसंख्या प्रबंध का अवधारणा प्रतिपादित की दोस्तों, किसने की, वो की है गियर तथा क्लार्क ने सन 1961 में। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी राइट हो। क्वेश्चन नंबर 16 में गया, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इन्वायरमेंटल इंसेक्ट्स का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, बंगलोर। ऑप्शन डी राइट होगा बंगलोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में दिया गया दो जीव जो इस प्रकार संबंधित हैं कि एक लाभान्वित होता है दूसरे पर कोई हानि नहीं पहुंचती तो कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, उसे कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, सहभोजिता। ठीक है, सहभोजिता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, नोरी स्टॉक्सिक प्राप्त किया जाता है, नोरी स्टॉक्सिक दोस्तों समुद्री केचुए से। ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है कि पायरेथ्रिन किस पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, वो गुलदाउदी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, बीस में है डीडीटी कीटनाशक गुणों में सर्वोत्तम है दोस्तों, वो किसने बनाया था, वो बनाया था पाम मुलर ने। ठीक है, पाम मुलर। ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि हमारा निम्नलिखित में कौन मृदा घुमरक है दोस्तों, कौन मृदा घुमरक है, निम्नलिखित में से ये सभी मृदा घुमरक है। ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। 22 हमें दिया गया है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस कीटनाशक का प्रतिनिधित्व किया दोस्तों, एंडोसल्फान। ऑप्शन सी राइट होगा एंडोसल्फान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि डीडीटी विषुप्तता कम करने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है दोस्तों, वो होता है डीहाइड्रोक्लोराइजेंसिस। ठीक, ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 दिया गया है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कीटनाशक है दोस्तों, कौन सा है, वो है
पैराथियन 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 ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। 24 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया 25 में दिया गया पायरेथेरम दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। ठीक अच्छा तो जहर ठीक है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 26 है। एक माध्यम जहरीले कीटनाशक का एडीएल 50 मुख्य आधार होता है दोस्तों होता है क्या होता है वो हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 500 से 5000 मिलीलीटर। ठीक है 500 से 5000 मिलीलीटर पर किलोग्राम शरीर भार के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा पीड़कनाशी उपयोग करने वाला राज्य दोस्तों कौन सा है। पीड़कनाशी उपयोग करने वाला जो राज्य हमारा है वो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है ऑप्शन ए 27 में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत का पूर्ण जैविक राज्य दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन डी सिक्किम। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि फिप्रोलिन ब्यूटाइल एक है दोस्तों क्या है ये हमारे हैं एक सिनर्जिस्ट ऑप्शन ए राइट होगा 29 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा नेक्स्ट में दिया गया है कि महीन फुहार स्प्रे की बूंद आकार होता है दोस्तों कितना होता है। महीन फुहार बूंद का जो स्प्रे का आकार होता है वो होता है 100 से 400 माइक्रोन। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि प्रथम संश्लेषित पायरेथ्रोडाइस है क्या है दोस्तों वो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 31 का ऑप्शन ए राइट होगा एली थ्री ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 का नेक्स्ट है 32 दिया गया है सेंट्रानेला यूकेलिप्टस तेल की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों तेल की प्रकृति कैसी होती है तो इसका जो दूध होती है दूर भगाने के लिए ऑप्शन बी राइट होगा दूर भगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि ऑर्गेनोक्लोरीन विषाक्तता में विशिष्ट विषहर है दोस्तों कौन सा है वो है मॉर्फिन ऑप्शन नंबर हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट ऑप्शन ए राइट होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है क्वेश्चन नंबर हमारा 34 दिया गया है कीटनाशकों में स्वरूपण में मिश्रण से होता है क्या होता है दोस्तों सक्रियता तथा अम्लता ये दोनों कारक होते हैं ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 35 में दिया गया है ऑजीरिडिन निरोधक है दोस्तों निरोधक है किसका है वो है PTTH का ऑप्शन ए राइट होगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि एंटीपिडेंट है एंटीपिडेंट कौन है दोस्तों ये उपयोग सभी के सभी एंटीपिडेंट है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 नेक्स्ट में है कि बुरकाव का सामान्यता समय किया है दोस्तों प्रातःकाल बुरकाव जो किया जाता है प्रातःकाल तथा जो छिड़काव किया जाता है वो सायंकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 38 में दिया गया है फिरोमोन शब्द दिया दोस्तों फिरोमोन शब्द किसने दिया वो दिया है हमारा 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट पीटर कार्लसन व एडोल्फ विटाइन द्वारा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रथम कीट लिंग फिरोमोन है दोस्तों प्रथम कीट लिंग फिरोमोन कौन सा है 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बॉम्बिकोल ऑप्शन डी राइट होगा बॉम्बिकोल। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि फिरेमोन का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों फिरेमोन का इस्तेमाल किया जाता है वो उपयोग सभी के लिए किया जाता है। ठीक है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 40 का। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि ट्राइमेडुलर के प्रभाव से कौन सा कीट आकर्षित होता है दोस्तों कौन सा कीट आकर्षित होता है वो होता है भूमध्य सागरीय फल मक्खी। ठीक है भूमध्य सागरीय फल मक्खी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 42 में चने की फली भेदक कीट को आकर्षित करने के लिए कौन सा फेरोमोन इस्तेमाल करते हैं दोस्तों कौन सा फेरोमोन इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हेली लुअर का। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सचेतक फेरोमोन का उदाहरण है दोस्तों सचेतक फेरोमोन का उदाहरण क्या है क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हिप्टेनॉन। ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चौथी पीढ़ी के पीड़कनाशी होते हैं दोस्तों कैसे होते हैं चौथी पीढ़ी के वो कार्बनिक पीड़कनाशी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कार्बनिक पीड़कनाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 45 में दिया कि भोपाल गैसकांड हुआ दोस्तों भोपाल गैसकांड किया हो 2-3 दिसंबर मिडनाइट ऑप्शन ए राइट होगा ऑप्शन बी राइट होगा 2-3 दिसंबर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आत्मघाती नियंत्रण है दोस्तों आत्मघाती नियंत्रण 46 का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा वो होगा बांध रसायन ऑप्शन सी राइट होगा बांध रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कीट बाध्यता तकनीक की खोज किसने की कीट बाध्यता खोज तकनीक की खोज दोस्तों किसने की वो की ई एन निपलिंग ने ऑप्शन ए राइट होगा ई एन निपलिंग ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा कि कीटों में किशोर हार्मोन्स का प्रभाव होता है दोस्तों कीटों में किशोर हार्मोन का प्रभाव किसके लिए होता है उपयोग सभी कारण हो जाएगा ऑप्शन डी राइट होगा 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि तत्कपंदन ग्रंथ से कौन सा हार्मोन निकलता है दोस्तों कौन सा हार्मोन निकलता है तो दोस्तों उसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए निमोर्क हार्मोन्स ऑप्शन ए राइट होगा 49 का। इसके बाद 50 क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिकिशोर हार्मोन्स होता है दोस्तों प्रतिकिशोर हार्मोन क्या होता है क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा
मिथोप्रिन ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा काइटिन संश्लेषित निरोधक है, दोस्तों कौन है, इसमें उपयोग सभी ऑप्शन हमारा डी राइट होगा उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि व्यक्तिगत जीवों के पर्यावरण के साथ संबंध को अध्ययन को क्या कहते हैं, दोस्तों उसे कहते हैं स्वपरिस्थितिकी, ऑप्शन डी राइट होगा स्वपरिस्थितिकी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि 53 भारत सरकार में पादप सुरक्षा सलाहकार कौन है, दोस्तों डॉक्टर रवि प्रकाश ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 53 का डॉक्टर आप रवि प्रकाश ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा आम का कीट पीड़क संगरोधक के लिए महत्वपूर्ण है, दोस्तों कौन है, इसमें जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा आम की फल मक्खी, ऑप्शन बी राइट होगा आम की फल मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि घरेलू संगरोधक नियम लागू हुआ, दोस्तों घरेलू संगरोधक नियम लागू हुआ दोस्तों हुआ है सन 1900, क्वेश्चन नंबर 55 पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 1971 में ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि कौन सा विदेशी कीट नहीं है, दोस्तों कौन सा विदेशी कीट नहीं है, क्वेश्चन नंबर जो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं विदेशी कीट नहीं है ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में डायरेक्ट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज कब स्थापित हुआ, दोस्तों हुआ है 1946 में, ऑप्शन ए राइट होगा 57 का ऑप्शन ए राइट है 57 का। 58 क्वेश्चन दिया गया, कीटनाशक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, दोस्तों कब लागू हुआ, 1 अगस्त 1971 में, ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन ए। इसके बाद 59 दिया गया है, 2020 में कितने व्यावसायिक कीटनाशक पंजीकृत हो चुके हैं, दोस्तों वो है 292 ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से किस पीड़क का घरेलू संगरोधक का महत्व है, दोस्तों कौन है, वो है ऑप्शन डी राइट होगा सभी ठीक है, सभी ऑप्शन डी राइट होगा इसका ऑप्शन डी। तो दोस्तों आप सभी लोगों को अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे कि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।